Kirchhoff's law. State Kirchhoff's law. जो क्रिचॉफ्स के जो लॉज थे, दो नियम थे, दोनों स्टेटमेंट देनी है। एक था करंट के बारे में, एक था वोल्टेज के बारे में। जो पहला था बेटा वो था क्रिचॉफ्स करंट लॉ, या फिर क्या था नाम था, जंक्शन रूल। ठीक है बेटा, एक जंक्शन रूल, या फिर बेटा पॉइंट रूल, या नोड रूल, नोड रूल, या बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर बेस्ड था ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था। तो ये था पहला नियम, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स का करंट लॉ, जंक्शन रूल और पॉइंट रूल, नोड रूल और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये फर्स्ट लॉ था बेटा अबाउट द करंट, ये पहला करंट के बारे में था। दूसरा किसके बारे में था बेटा? वोल्टेज। पहले के बारे में क्या था, टोटल करंट किसी सर्किट में क्या होगी बेटा, क्या होगा, जीरो। क्या होगा? जीरो। लेकिन यो किस में लगा था? दोनों में। यो जो है बेटा ओपन सर्किट में भी लगा और क्लोज सर्किट में भी लगता है, दोनों में लगता है ये। लेकिन जो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेटा, जिसका नाम है एमईएमएस रूल, और बेटा इसका नाम और क्या बेटा, इसका नाम है लूप रूल। क्या नाम बेटा? लूप रूल। ठीक है, मैस रूल, लूप रूल और वोल्टेज ला। और ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? यस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है बेटा यो। और इन्हें क्या कहा था कि टोटल वोल्टेज जो है, टोटल चेंज इन वोल्टेज जो है बेटा, वो जो है आपकी माइनस आई आर जो भी आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या आएगी? जीरो। और ये किसमें लगा था? ओनली क्लोज। किसमें लगा था बेटा? ये क्लोज सर्किट में। किसमें लगेगा? ये हमेशा क्लोज सर्किट में लगता है। तो इसकी स्टेटमेंट करा रखी है, ये करना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है बेटा, ये क्रिचॉफ्स का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यहां करेंगे बेटा। ये बताया है कि भाई ये जो है बेटा 2.5 एम्पियर है, ये 1.5 एम्पियर है, और यहां जो है 2 एम्पियर, और ये बेटा 1 एम्पियर, और ये है आई एम्पियर। तो उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू को बतानी है। तो कौन सा सर्किट है, ओपन या क्लोज, हम कोई सब ले ले। तो किरचॉफ्स का कौन सा लगाओगे? फर्स्ट रूल कि टोटल करंट क्या होता है? जीरो। जो अंदर आ रहा हो प्लस, और जो बाहर जा रहा हो माइनस। बेटा जो इनसाइड आ रहा है वो क्या लेना आपने? पॉजिटिव। और जो आउटसाइड जा रहा है बेटा वो क्या लेगे आप? नेगेटिव लेगे। तो बेटा देखना, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो बेटा 2.5 और 1.5 कितना हो गया? चार। और बेटा ये भी अंदर है, पांच, पांच में दो गए तीन, तो क्या बच गया? तीन माइनस आई बराबर जीरो। तो आई बराबर कितना गया? अरे आई बराबर है तीन एम्पियर। क्या आएगा बेटा? तीन एम्पियर आ जाएगा। आई पर चल जाएगा तो तीन इधर रह जाएगा, आई बराबर तीन एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, इसमें है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आई वन, आई टू और आई थ्री निकालना बेटा। ये डायग्राम दे रखे हैं और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये दिया बेटा आपको, तो जी यहां जो डायरेक्शन दे रखी बेटा इन्होंने, ये दे रखी बेटा आई वन, ये दे रखी बेटा आई टू, और ये दे रखी बेटा आई थ्री। ये डायरेक्शन है बेटा यहां आई थ्री। तो बेटा सुनो ध्यान से, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है 3 ओम, और ये दिया है 2 ओम का, और ये वोल्टेज दिया बेटा, सेल दिया 4 वोल्ट, ये दिया बेटा 1 वोल्ट, और ये दिया बेटा 2 वोल्ट। बेटा इसमें जो है ना, हम ये पॉइंट जो है, कोई भी जंक्शन बना लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये बना लिया, क्लोज बनाएंगे। इसमें डायरेक्शन दे रखी करंट की, तो बड़े ध्यान से देखिए, या कौन सा है? आई वन है ना, यदि आई वन इधर है तो ये सारा क्या बेटा? आई वन। ये आई टू है तो ये सारा क्या बेटा? आई टू है। क्लियर है? तो यहां पर जो है, ये ऊपर कौन सा करंट जा रहा है? आई वन, और ये कौन सा करंट आ रहा है यहां? आई थ्री। इधर कितना निकल गया?
आई टू तो क्या लगा दोगे इस पर? नोड रूल। कौन सा लगा दोगे? नोड रूल। कौन सा भाई? किरचॉफ सा जंक्शन रूल बेटा, फर्स्ट लॉ जो केसीएल। तो केसीएल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर केसीएल लगाओगे, क्या रखा? जो अंदर आ रहा वो प्लस और जो बाहर दे रहा हो माइनस। तो बेटा यू माइनस, यू माइनस, तो माइनस आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री बराबर है जीरो। तो आई थ्री नहीं है, रहने दो, ये दोनों पता चले गए। तो आई थ्री बराबर क्या गया? आई वन प्लस आई टू। तो ये आ गया बेटा आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यहां पर आ जाएगा। अब आराम से करेंगे बेटा, हमने क्या करना, देखिए पहले आप इस क्लोज सर्किट में ए, यहां से ए एफ ई बी ए किस में लगाओगे? के वी एल इन क्लोज सर्किट बेटा, ए ए एफ ई ए एफ ई बी ए इसमें लगाया बेटा आपने, ऐसे ही ऐसे लगाना ही है। तो यहां पर चले तो वोल्टेज कितनी है बेटा? दो। कहां तक कहां जा रहे? प्लस था माइनस, ठीक है भाई, जब हम प्लस था माइनस जा रहे हैं तो ठीक है। तो कितना होगा? दो वोल्ट आ गया। केवीएल का मतलब टोटल वोल्टेज बेटा क्या लेनी है? जीरो। जिस डायरेक्शन में चल रहे उसी डायरेक्शन में है तो प्लस, उस तो उल्टा आएगा तो माइनस। तो बेटा ये दो आ गया, आर यू कितना आएगा? वोल्टेज कितनी होगी? चार गुना आई वन प्लस चार गुना आई वन, क्योंकि बेटा ये इसी साइड है। तो अब आ जाओ बेटा आप यहां, यहां जो इसमें इसमें चलोगे तो क्या हो गया? उल्टा नहीं हो गया? ऐसे चल रहे हैं तो माइनस का तीन गुना आई टू, ये रहे बेटा तीन गुना आई टू, और ये कितनी वोल्टेज है? एक। लेकिन हम कहां तक आगे? माइनस से प्लस। करंट कहां तक जा रहा है? प्लस था माइनस, तो उल्टा ले लोगे माइनस एक बराबर क्या आएगी? जीरो। तो मेरे बेटा देखना कितना आया, फोर आई वन माइनस का तीन आई टू, बेटा दो मत आए गया एक पर चले गया तो माइनस का एक, इक्वेशन एक आ जाएगी बेटा यहां। अब बेटा किस में लगाओगे? इस में लगा दो केवीएल, केवीएल इन किस में लगाओगे? बीई, बीई ऐसे बेटा, बीई डी, बीई डी सी बी क्लोज में, जहां तक चले तो मैं पहुंचना है क्लोज वो था बेटा। तो चलो बेटा यहां पर चले, हम कितना आएगा, कितनी वोल्टेज है? एक, ठीक है भाई एक है, अरियो कितना होगा? प्लस तीन गुना आई टू, प्लस लेना क्योंकि इसी डायरेक्शन में, ठीक है अरियो ये भी प्लस लेना क्योंकि इसी डायरेक्शन में बेटा। यो कितना करंट है यहां? आई थ्री, तो यहां कितना आएगा? आई थ्री, तो क्या होगा बेटा? प्लस टू इंटू आई थ्री और माइनस के चार बराबर है जीरो। माइनस क्यों लिया बेटा? क्योंकि अब माइनस था प्लस आने लग रहे और जाग रहा कहां था? कहां प्लस था माइनस, करंट तो फ्लो होता फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा कितना आया यो देखना, थ्री आई टू प्लस टू आई थ्री, यू बन गया माइनस का तीन, माइनस का तीन पर जाओगे बेटा तीन, इक्वेशन नंबर दो। इफ चेक करो यूरा आई थ्री की वैल्यू कितनी है? आई वन प्लस आई टू, यहां टेक दो तो थ्री आई टू प्लस टू इंटू आई थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा? आई वन प्लस आई टू बराबर है बेटा तीन। तो कितना होगा ये देखो, तीन आई टू प्लस दो आई वन प्लस दो आई टू बराबर है तीन। बेटा यो पांच कितना रह गया? दो आई वन टू आई वन प्लस पांच आई टू बराबर है बेटा तीन, या इक्वेशन नंबर चार जो भी है, चार या तीन जो भी आएगी। और पहली इक्वेशन कौन सी थी? ये तीसरी है बेटा, पहली इक्वेशन आपकी आई थी चार आई वन माइनस तीन आई टू, चार आई वन माइनस तीन आई टू बराबर है माइनस वन। तो मेरे बेटा क्या करोगे, इक्वेशन एक ने क्या था गुणा कर दोगे? दो था, इनमें सारी ने क्या था गुणा करोगे? दो था, दो था गुणा करके देखना क्या आएगा, फोर आई वन प्लस टेन सिक्स, और ये फोर आई वन माइनस के थ्री आई टू बराबर है माइनस वन। क्या करोगे? माइनस प्लस प्लस कैंसल, कितना आया? दस और तीन तेरह आई टू और छह रेट सात। तो बेटा आई टू की वैल्यू कितनी आएगी? आई टू की वैल्यू होगी सात बटे तेरह एम्पियर आ गया। आई टू वन दिशा क्या आ जाएगा? आई वन आ जाएगा, ठीक है बेटा हो जाएगा सोल्व। आई वन भी आ जाएगा और आई टू, देखो आई वन भी आ जाएगा आपका, कुछ भी आई वन आई टू वन दिशा क्या आ जाएगा? आई थ्री जीरो,
क्योंकि आई थ्री किसके बराबर है, आई वन प्लस आई टू के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन नंबर 30, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है बेटा वो कह रहा है कि दो ये कंडक्टर बना रखे बेटा और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो बेटा इसमें ना मास पर यूनिट लेंथ निकालनी है। डायग्राम क्या दिया बेटा, ये डायग्राम दिया, ये कंडक्टर है बेटा और 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और यहां ये कहता है टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर एक वायर है बेटा, कोई टेबल है बेटा उसके ऊपर एक वायर है जिस पर करंट कितना जा रहा है 12 एम्पियर और उस टेबल पे कितने एमएम पे, 1 एमएम पे कितना बेटा 1 एमएम के ऊपर एक वायर रखी है जिसमें करंट कितना जा रहा है बेटा 5 एम्पियर, कितना जा रहा है बेटा 5 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन क्या बेटा उल्टी, दोनों करंट यदि सेम डायरेक्शन में हो रहा करंट कैरिंग कंडक्टर तो क्यों हो रहा है अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या होगी अट्रैक्शन और अपोजिट में क्या होगी रिपल्सन। तो बेटा इसमें के काटना है। अच्छा ये कह रहा है भाई मास पर यूनिट लेंथ निकाली और जी की वैल्यू 10 लेनी, जी की वैल्यू क्या लेनी है बेटा 10, एक्सेलरेशन है बेटा ये लेना आपने। तो इन्हें पूछा है मास पर यूनिट लेंथ निकालना। अरे बेटा दो स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में फोर्स का फार्मूला पढ़ रखा, क्या होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर भाई फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे बेटा वो क्या होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होती है बेटा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एफ बाय एल बराबर हो गया म्यू नॉट बटे 4π2I1 आई टू बटे में डिस्टेंस मीन आर, जो भी डिस्टेंस है बेटा आर या डी जो भी है, बस फोर्स की वैल्यू एफ, व्हाट इज एफ, एफ क्यों करा है एम इनटू जी, फोर्स क्यों करा है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टेक दो बेटा यहां क्या आया एम इनटू जी बाय एल बराबर बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 2 इनटू आई वन कितना है 12, आई टू कितना है 5, बटे में डिस्टेंस कितना है 1 एमएम, 1 एमएम का मतलब था -10 की पावर -3। तो बेटा अब मैं क्या करना था m बाय l, तो g की वैल्यू कितनी है 10, कहां जाएगा यहां जाएगा, तो ये आएगा आपका m बाय l इज इक्वल टू बेटा यू बन जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 60 × 120 गुना 10 की पावर -7 और यहां 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 कितना रह गया -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगी तो कितना होगा 120 इंटू 10 की पावर -5 और क्या आई बेटा यार मास पर यूनिट लेंथ, तो इकाई क्या बनेगी मास की तो किलोग्राम और लेंथ की मीटर, तो ये यूनिट आ जाएगी बेटा। इंपॉर्टेंट है यो क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत जरूरी है ये। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 जो क्वेश्चन है बेटा इन्हें क्या कहा है कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन द मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। भाई जो मीटर ब्रिज होती है बेटा उनमें जो कॉपर स्ट्रिप है वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर, जो रजिस्टर के बीच में कनेक्शन होते हैं मीटर ब्रिज में वो थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों होती है, वाई द थिक कॉपर स्ट्रिप आर यूज, क्यों यूज की जाती है बेटा थिक कॉपर, क्या कारण है बेटा थिक कॉपर का, क्योंकि बेटा यदि आप थिक करोगे तो क्या कहता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्यों जाएगी वेरी स्मॉल, क्यों जाएगी बेटा वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये है जरूर याद रखना है कि रेजिस्टिविटी क्यों जाएगी वेरी स्मॉल, इसके कारण लिया जाता है। अच्छा एक कह रहा है ये कि वाई इट इज प्रिपेयर टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, वाई इट इज प्रिपेयर्ड, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो कहां आएगा मिड पॉइंट में आएगा मीटर ब्रिज के, क्या कारण है, तो बच्चों याद रखना है टू प्रोवाइड द सेंसिटिविटी, टू हम क्या करेंगे टू इंप्रूव द सेंसिटिविटी, मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या लेते हैं कि जो आपका बैलेंस पॉइंट होता है वो कहां आएगा मिड पॉइंट पे, कहां आएगा मिड पॉइंट पे आएगा। तो नाउ उसके बाद ये कहता है कि जो वायर होती है मीटर ब्रिज में वो किसकी यूज होती है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की यूज होती है बच्चों,
क्यों होती है यूज? क्योंकि बेटा उनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट है वो बहुत कम होता है। किसका बेटा? ये जो है अल्फा की वैल्यू किसके लिए बेटा? किसके लिए? कॉन्स्टेंटन के लिए। क्यों होती है बेटा? इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है नेग्लिजिबल। क्या होता है बेटा? नेग्लिजिबल होता है। याद रखना है टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू, समझ गए? किसके लिए? किसके लिए? कॉन्स्टेंटन या मैग्निन के लिए, जिसकी वायर किसमें यूज करते हैं? हम मीटर ब्रिज में यूज करते हैं। तो तीन क्वेश्चन ये हो गए बेटा आपके कि भाई क्यों यूज करते हैं। दूसरा कि भाई मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट कहां आता है? बीच में। क्यों आता है बीच में? क्यों लिया जाता है? क्योंकि बेटा सेंसिटिविटी इंक्रीज है ना, टू इंप्रूव द सेंसिटिविटी। अरे बेटा कनेक्शन वायर जो अधिक क्यों ली जाती है बेटा? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? लो होती है। क्या होती है? वेरी लो। तो ये था बेटा आपके, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट 32, 33, 34, 35 नंबर बेटा। ये क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है, ये क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसका फार्मूला मैं करा चुका हूं। ये था, ये रेजिस्टर आर है और यहां जो है बेटा ये रेजिस्टर लगा रखा है एस, और ये लगा रखा है 12 ओम का। कितना लगा रखा है बेटा? 12 ओम का। इसके पैरेलल में लगा दिया और ये था बेटा वायर ए बी, वायर है दैट इज द ए बी, पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी होगी या ब्रिज की बेटा, एंड दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव आ गया बेटा। ये मैंने करा रखा है बेटा आपको कि ये अननोन रेजिस्टेंस, ये था एक्स। क्या था बेटा? एक्स। अननोन रेजिस्टेंस निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको कि देखिए पहले कहता है जो पहले लेंथ, जो पहले एस लगाया है उसके लिए जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया बेटा वो दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर ये क्या हो गया? L1। तो इधर कितना रह गया? कितना होता है? 100 माइनस 40 बच जाएगा। ये मैंने कराया था आपको। अब ये कहता है कि भाई जब 12 ओम का रेजिस्टर इसकी के लो लगा दिया तो बैलेंस पॉइंट है ना, क्या कहता है बेटा? द नल पॉइंट विल ऑकर 50 सेंटीमीटर। जब कितना लगाया? पहले ऐसा लगाया था तो कहां था? यहां था। क्योंकि जब एस लगा होगा तो बेटो पढ़ रखे आपने पी बाय क्यू मीन आर बाय एस बराबर है 40/60। आ गया बेटा? तो इसका मतलब कैंसल 2/3, तो आर बाय एस इज इक्वल टू 2/3। आर बराबर कितना आ गया बेटा? 2/3 इंटू एस, एक आ गया। अब ये कह रहा है जब एस के पैरेलल में 12 ओम का लगा दिया तो नल पॉइंट है ना 50 पर चलेगा। बेटा जब नल पॉइंट 50 पर जाएगा कितने पे जाएगा? 50 पे। नल पॉइंट 50 पे चलेगा बेटा, नल पॉइंट 50 पे चलेगा तो वो क्या L2? क्या बेटा वो L2? कितना है? 50 है। इधर कितना रह गया? 100 माइनस 50 रह गया। अरे आसान सा काम है, जब पैरेलल में कर रहे थे ये वाला मैंने कहा था भाई, जब बच्चों पैरेलल में होता है ना तो अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, एक्स इज इक्वल टू जो यहां लगाते हैं ये वाला एक्स इज इक्वल टू, ये था बेटा L1 100 माइनस L2 बाय 100 इंटू L2 माइनस L1 इंटू S। ये फार्मूला बेटा आप पुट कर दो S। देखिए बेटा हमें क्या निकालना है? हमें तो S निकालना। क्या निकलेगा? पहले S निकल जाएगा। तो S निकालना क्या बन गया? S बराबर क्या होगा? 100 इंटू L2 माइनस L1 इंटू X बटे L1 इंटू 100 माइनस L2। अरे भाई चेक करना कितना, ये तो 100 ऊपर इंटू L2 कितना है? 50, 50 में तो 40 गया 10, और X कितना है? X कितना है बच्चों? 12 है। X की वैल्यू कितनी है? 12 बटे L1 कितना है? 40, और 100 माइनस L2 50, 100 में तो 50 गए 50। तो बेटा जब इसमें चेक करोगे तो कितना बन गया? 12,000 ऊपर, ऊपर कितना बन गया बेटा? यो 12,000, ठीक है ना। और बटे में कितना है? कितना बन गया? 2,000 कैंसल, 2 × 12 कितना आ गया? 6 ओम। किसकी वैल्यू आएगी? 6 ओम एस की। एस की वैल्यू 6 ओम आएगी, 6 ओम आंधी सारी हटे तो बेटा आर की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा आपका 4 ओम, आराम से निकल जाएगा।